हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर तनेजा और ये है टाटा की ऑल्ट्रोस का नया डीसीए या कहें कि ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट जो हाल ही में टाटा ने लॉन्च किया है। सेगमेंट में जो बाकी सभी ब्रांड्स की गाड़ियां हैं सेगमेंट में, उन सभी के पास एएमटी सीवीटी या डीसीटी के वेरिएंट्स ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन टाटा की ऑल्ट्रोस में वो वाला ऑप्शन फिलहाल अभी तक मिसिंग था इसके आने से पहले तक। देर आए हैं लेकिन क्या दुरुस्त आए हैं, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कितना एंगेजिंग इसका ये ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन हमें चलाने के बाद लगता है, परफॉर्मेंस में कितना फर्क इसके ट्रांसमिशन के आने के बाद पड़ा है या नहीं पड़ा है, उस पहलू पर बात करेंगे। और जो प्राइसिंग टाटा ने इस टाटा की ऑल्ट्रोस के डीसीए वर्जन की रखी है सेगमेंट में बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले, ये कहां स्टैंड करती है और कितनी अफोर्डेबल ये आपके लिए बन सकती है, उस पर भी बात करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 धासु और 3 नॉट धासु हेलमेट मुझे क्या लगे इस टाटा ऑल्ट्रोस की डीसीए के बारे में। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं ऑल्ट्रोस डीसीए रिव्यू की। अब ड्राइव की बात, थोड़ा बहुत इसके लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक जो मेजर बदलाव इस डीसीए वर्जन में करा गया है वो है ये नया ओपेरा ब्लू कलर टाटा ने इस डीसीए वर्जन के साथ इंट्रोड्यूस करा है। एंड पहली झलक में मेरा जो इंप्रेशन इसको लेके पड़ा है वो है एलिगेंट और क्लासी, ये कलर देखने में लग रहा है, स्टैंड आउट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है बट वो रॉयल लुक आपको इस कलर के साथ जरूर इस टाटा की ऑल्ट्रोस डीसीए वर्जन में देखने को मिलने वाली है। देन फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ क्रोम का एलिमेंट दिया गया है थ्रू आउट इसकी ह्यूमैनिटी ग्रिल में, यहाँ पे प्रोजेक्टिव हेडलैम्प्स हैं एंड यहाँ पे इसके ये डीआरएल्स प्लस नीचे फॉग लैंप्स दिए गए हैं। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो सब सेम ऑल्ट्रोस जैसा ही है। एंड यहाँ पे 16 इंच के व्हील इधर दिए गए हैं, अलॉय व्हील्स यहाँ पर हैं एंड क्रोम का एलिमेंट जैसे पहले ऑल्ट्रोस में था यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड ये इस ओपेरा ब्लू कलर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है क्रोम का एलिमेंट, और जो ब्लैक पियानो ब्लैक वाले एलिमेंट हैं फ्रंट में साइड में, ये इस कलर को कॉम्प्लीमेंट और ज़्यादा कर रहे हैं। फिर रियर लुक की बात करें तो यहाँ पर भी कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है। ऑल्ट्रोस की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 2 सेंसर्स दिए गए हैं, 3 या 4 भी हो सकते थे डिपेंड्स, बट 2 अभी हैं। एंड टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी वैसा है। एंड एक जो नई चीज़ है वो है ये डीसीए की बैजिंग इस डीसीए वर्जन में टाटा ऑल्ट्रोस में देखने को मिलने वाली है। अदरवाइज ओवरऑल पियानो ब्लैक, ब्लू और क्रोम का एलिमेंट आपको थोड़ा बहुत साइड में, फ्रंट में और थोड़ा बहुत पीछे यहाँ पे इसकी बैजिंग वगैरह में देखने को मिलेगा। डिज़ाइन में और कुछ बदलाव टाटा के इस ऑल्ट्रोस डीसीए वर्जन में नहीं किया गया है। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं इस ऑल्ट्रोस में अंदर क्या ऑफर करा गया है। तो बात करते हैं इसके इंटीरियर की। मेजर बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव है इसका ये ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन डीसीए वाला गियर बॉक्स दिया गया है। PRND पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड है और एक मैनुअल वाला मोड भी दिया गया, हालांकि इसमें पेडल शिफ्टर्स का ऑप्शन अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। मे बी लेटर अपडेट के साथ वो ऑप्शन देखने को मिले, बट अभी फ़िलहाल इसमें आपको पेडल शिफ्टर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये स्क्रीन दिया गया है, हार्मन का साउंड सिस्टम है, टच स्क्रीन है, ऑल्ट्रोस की बैजिंग यहाँ पे है, सिल्वर बेज ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ डैशबोर्ड का लेआउट है। पहले की तरह ये देखने में अच्छा और ये स्मार्ट जरूर लग रहा है, डिज़ाइन इसका अच्छा शुरुआत से ही मुझे इस देखने में लगता है। इसके अलावा नीचे AC कंट्रोल्स हैं एंड यहाँ पर कुछ सामान रखने की जगह है, फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, 2 कप होल्डर्स हैं, आर्म रेस्ट है, स्लाइड कर सकते हैं, सीट्स लेदर के साथ देखने को मिलती हैं यहाँ पे, वाई पैटर्न थ्रू आउट आगे पीछे सीट्स में हर जगह, गियर नॉब में वाई का पैटर्न टाटा की गाड़ियों में देखने को मिलता है तो वो सीट्स में दिया गया है। इसके अलावा स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी खटकी वो है यहाँ पे इसके स्टीयरिंग में लेफ्ट और राइट साइड में थोड़े रफ एजेस देखने को मिले, तो फिनिशिंग वाली थोड़ी दिक्कत मुझे इसमें लग रही है, जो चीज़ मुझे लगता है सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के बटन्स हैं, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं एंड फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। होल्ड में यहाँ पे लेदर स्टेज दिया गया है तो होल्ड में भी अच्छा ये फील में भी लग रहा है। तो मोटा मोटा मेजर बदलाव ये गेयरबॉक्स है, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेम देखने को इस ऑल्ट्रोस के डीसीए वर्जन में देखने को मिलने वाली हैं। स्पेस, पीछे का सीट का कंफर्ट, डिज़ाइन, सब कुछ सेम देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग वाले फैक्टर की, जो प्राइस इसका टाटा ने रखा है बाकी गाड़ियों के मुकाबले ये कहाँ स्टैंड करती है, कितनी अफोर्डेबल और क्या वाकई में ये आपके लिए एक अच्छा परचेज बन सकती है या नहीं।
अब टाटा ऑल्ट्रोस का ये DCF वर्जन सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले कहां स्टैंड करता है उसकी बात करते हैं। तो ऑल्ट्रोस का DCF वर्जन का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 8.1 लाख से और जाता है 9.9 लाख एक्स शोरूम तक। Hyundai i20 का जो IVT और DCT वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 8.90 लाख से और जाता है 11.49 लाख DCT वर्जन के लिए। बलेनो का जो AMT वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 7.69 लाख से और जाता है 9.49 लाख तक। फिर ग्लांजा का जो AMT वर्जन है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 7.79 लाख से और जाता है 9.69 लाख तक। होंडा जैज का CVT वर्जन 8.81 टू 9.96 लाख और फॉक्सवैगन की पोलो का ऑटोमेटिक वर्जन 8.93 लाख से 10.25 लाख एक्स शोरूम। पोलो के ऑटोमेटिक वेरिएंट का प्राइस बढ़ने वाला है। अब ऑल्ट्रोस के DCA वर्जन की प्राइस की बात करें तो टाटा ने इसको बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही स्वीट स्पॉट मैं कहूँगा वहाँ पर टाटा ने इसके प्राइस को रखा है, जहाँ Hyundai का DCT वर्जन 9.76 लाख से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग वेरिएंट के लिए, वहीं आपको ऑल्ट्रोस का DCA वर्जन लगभग 1,60,000 सस्ता Hyundai के DCT वर्जन से पड़ने वाला i20 के। इसके अलावा बलेनो AMT ऑब्वियसली सस्ता होगा, DCT का ड्राइव बेटर एक्सपीरियंस देगा आपको, वहीं होंडा जैज और फॉक्सवैगन पोलो का प्राइस भी आपको ऑल्ट्रोस से ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो ये टाटा ऑल्ट्रोस का DCA वेरिएंट कैसा परफॉर्म करता है, कितना एंगेजिंग है, इसके आने के बाद इस गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कितना फर्क पड़ रहा है या नहीं उसकी बात करते हैं। इंजन जो इस पे दिया गया है वो है 1.2 लीटर का पेट्रोल सेम इंजन दिया गया है जो पहले ऑल्ट्रोस में हमें देखने को मिलता था। पावर जनरेट करता है ये अराउंड 85 BHP की एंड टॉर्क जनरेट करता है अराउंड 110 Nm का, ये पीक टॉर्क जनरेट करता है ये 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन। शुरुआती ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वहाँ पर अगर आप इंस्टेंट एक्साइटमेंट वाला फैक्टर देख रहे हैं उसकी उम्मीद रखते हैं तो वो थोड़ा मिसिंग लग रहा है इस इंजन में। ये बात के कॉम्बिनेशन के साथ कहूँ जब मैं इसको ऑटोमेटिक में चला रहा था तो वहाँ पर भी वो एक्साइटमेंट शुरुआत थोड़ा मिसिंग है। ग्रेजुअली ये पिक करता है एंड उसके बाद इसका पेस, इसका पिकअप और इसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है और ज़्यादा एंगेजिंग ये बाद में लगना शुरू होता है। शुरुआत में वो थोड़ा सा फैक्टर मुझे मिसिंग लगा। फिर मैनुअल में अगर आप शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा बेटर होता है बट स्टिल नॉट एक्साइटिंग आई वुड से। इसके अलावा ग्रेजुअली जब थोड़ा बहुत आप इसको चलाते हैं या तेज आप इसको रेव कर रहे हैं तो लैग कहीं भी मुझे इस गियरबॉक्स में फील नहीं हुआ। काफ़ी स्मूथली, काफ़ी प्रिसाइसली ये स्टार्ट होता है। तेज रफ्तार में मैं इसको चला रहा था तो वहाँ पर भी स्टार्टिंग को लेकर कोई दिक्कत मुझे इसको चलाने के दौरान महसूस नहीं हुई। फिर जब मैं इसको मैनुअल में चला रहा था हालांकि थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस फील हो रहा था बट वो पैडल शिफ्टर वाला एक्साइटमेंट जो है वो मुझे मिसिंग लग रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। मुझे लगता है टाटा अगर देती या आने वाले टाइम में दे सकती है तो और बेहतर इस DCA वर्जन का ड्राइव एक्सपीरियंस हो सकता है। और ये जो गियरबॉक्स है ये टॉर्क का जो बैंड है उसकी टॉप लिमिट तक जाकर उसको यूज करता है, फिर अगला गियर वो स्लॉट करता है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी जहाँ परफॉर्मेंस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज इस गियरबॉक्स के साथ देखने को नहीं मिल रहा है, वहां पर मुझे लगता है ये परफेक्टली अपना काम कर रहा है। परफॉर्मेंस को लेकर कोई निराशा इस गियरबॉक्स के साथ आपको इस ऑल्ट्रोस में नहीं देखने को मिलने वाली है। फिर बात करें कंफर्ट वगैरह जो ऑलरेडी हम जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं आपको कंफर्ट को लेकर। चाहे सी कंफर्ट की बात, सस्पेंशन की बात हो, काफ़ी अच्छे से काम करता है। पॉट होल्स हैं, तेज रफ्तार में आप चला रहे हैं अचानक पॉट होल्स आते हैं, ब्रेकर्स आते हैं तो वहाँ पर भी ये अच्छे से उनको एब्जॉर्ब करता है। कंपेयर टू सम अदर हैचबैक्स इन द सेगमेंट इसका सस्पेंशन मुझे स्लाइटली बेटर फील होता है और वो कंफर्ट भी आपको ड्राइव के दौरान ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड करता है। फिर ड्राइव और हैंडलिंग वाला जो एरिया है वहाँ पर भी अच्छे से काम करता है। तेज रफ्तार में स्टीयरिंग मुझे थोड़ा सा स्टिफ होता हुआ महसूस हुआ, इनकेस अगर आपको पसंद नहीं है तो वो आपको इसकी ड्राइव के दौरान महसूस होने वाला है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज ये टाटा का ऑल्ट्रोस DCA वर्जन कहाँ स्टैंड करता है, आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ये गाड़ी बन सकती है या नहीं। अब जो चीजें मुझे इस ऑल्ट्रोस DCA वर्जन के फेवर में काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, डिजाइन फीचर्स के अलावा बात करें तो
तो जो प्राइस वाला फैक्टर है, टाटा ने काफी प्रिसाइसली इसको स्लॉट किया है। ग्लांजा और बलेनो से थोड़ी सी महंगी, हालांकि वो एमटी वाले वेरिएंट्स हैं, लेकिन टी सीरीज की बात करें तो वहां पर ये गाड़ी आपको सबसे सस्ती पड़ने वाली है, अगर शुरुआती वेरिएंट के प्राइस बात करें तो। इसके अलावा परफॉर्मेंस को लेकर भी इस डीसी गियरबॉक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज इस गाड़ी में देखने को नहीं मिल रहा है। जो शुरुआती एक्साइटमेंट वाले लेवल की बात कर रहा था वो ऑलमोस्ट सेम है, मैनुअल में भी वो आपको वैसा ही फील होगा, बट अदरवाइज परफॉर्मेंस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज इस गियरबॉक्स के साथ इस ऑल्ट्रोज में मुझे देखने को नहीं मिला। तो अगर आपकी चिंता इन दो एरियाज को लेकर थी और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके उस ब्रैकेट में ये चीजें फिट बैठती हैं, तो वहां पर मुझे लगता है टाटा की ऑल्ट्रोज का ये DCA वर्जन आपके लिए एक अच्छा परचेज, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जरूर बन सकती है। अब बात करते हैं थासू और नॉट्स थासू में मुझे क्या लगे इस टाटा ऑल्ट्रोज DCA वर्जन के बारे में। तो पहले बात करते हैं तीन नॉट्स थासू एलिमेंट मुझे क्या लगे इसके बारे में। तो पहला नॉट्स थासू एलिमेंट मुझे लगा इसके बारे में वो है इसमें कुछ एक दो जगह मुझे रफ एजेस देखने को मिले, एक्सटीरियर में भी एक जगह थोड़ा फिनिशिंग में मुझे दिक्कत लगी है, स्टीयरिंग में भी मुझे रफ एजेस देखने को मिले, तो मुझे लगता है वो एक चीज़ है जहाँ पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। दूसरा नॉट्स थासू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में, इसमें पेडल शिफ्टर्स का ऑप्शन अगर होता तो ड्राइव एक्सपीरियंस और एंगेजिंग स्पेशली मैनुअल में हो सकता था। एंड तीसरा और फाइनल नॉट्स थासू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में, हालांकि 1.2 लीटर वाला इंजन पेट्रोल इंजन है, इसमें नॉइस जो है कैबिन नॉइस है, अगर आप इसको ज़्यादा रेव कर रहे हैं तो वो आपको अभी भी वैसा ही सुनने को मिलता है जैसा पहले हमें ऑल्ट्रोज में मिलता था, तो वो चीज़ ही मुझे लगता है थोड़ा और बेटर इंसुलेशन इसमें हो सकता है। अब बात करते हैं तीन थासू एलिमेंट मुझे क्या लगे इस ऑल्ट्रोज DCA के बारे में। तो पहला थासू एलिमेंट है वो है इसका ये ओपेरा ब्लू कलर, रॉयल, एलिगेंट और देखने में ये क्लासी पहली झलक में लगता है। एंड दूसरा थासू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसका डिज़ाइन एलिमेंट, जैसा कि पहले भी मुझे अच्छा लगता था, तो वो एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो लेआउट है डिज़ाइन के मामले में वो काफ़ी सॉर्टेड इस ऑल्ट्रोज में देखने को मिलता है। देन तीसरा थासू एलिमेंट जो मुझे लगता है इसके बारे में वो है इसका DCA गियरबॉक्स, चलाने के दौरान काफ़ी एंगेजिंग लगता है एंड डीले भी मुझे इसमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला।